Assalamualaikum everyone. In this video we will learn how to make DIY frame with paper sheet, with any hard sheet. So let's get started. यहाँ पर हम use कर रहे हैं A4 size sheet and let's get started. So सबसे पहले हम measuring marks कर लेंगे. यहाँ पर मैंने number mention कर दी हैं, उसी के according आपने points mark करने हैं और चारों side पर वो lines draw कर लेनी है. ठीक है, पहले 1 centimeter, फिर 1 centimeter, then 2 centimeter and then 1 centimeter. 5 centimeter हमें चारों side पर इस तरह से line draw कर देनी है and ये कर लें, फिर आगे बता दें. टू सेंटीमीटर दोनों साइड से मार्क करना है, ऊपर भी एंड नीचे वाले बॉक्स में भी, एंड देन हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. ठीक है, 4 साइड्स पे. उसके बाद हमने चारों साइड पर 2 सेंटीमीटर वाले बॉक्स पर डायगनल लाइन मार्क करनी है. अब जिस पार्ट को मैं पेंसिल से डार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, उस पार्ट को हमने सीजर से कट कर लेना है और ये वाला प्रोसेस भी हमें चारों साइड करना है. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं वो एज अ गाइडलाइन हमने ड्रॉ की थी. अब उन लाइंस को हमने इस तरह से स्केल से फोल्ड कर लेना है. ठीक है, जो लाइन जिस स्पेस से हमने ड्रॉ की थी उसी स्पेस से हमने उस पेपर को स्केल रख के और इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर देना है ताकि वो फोल्ड हो जाए आसानी से और हमारी फ्रेम का जो फ्रेम की जो बेस है वो ईजी बन सके. और आप लोग कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं, चार्ट शीट, कार्ट्रिज, कैंसन, टू मेक दिस फ्रेम. यहाँ पर हमने ग्लू लेनी है और चारों साइड पर लास्ट वाले पार्ट पर हमें लगा देनी है और फिर इस पार्ट को हमने फोल्ड कर देना है. ठीक है, और इस तरह से हमने फोल्ड करना है एंड देन फिर हमने उसको
फिंगर से प्रेस भी करना है ताकि एक थ्री डिश सा बॉर्डर बन जाए। एंड आप लोग देख लें मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह से करना है। और फिर जब आप नेक्स्ट बॉर्डर जो है वो जब फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर उसको बिल्कुल फोल्ड करके प्रेस करके देन फिर वो फोल्ड करना है, ठीक है, ताकि वो एक ही सिमेट्री में बॉर्डर्स बने। इस तरह से कॉर्नर्स भी अंदर प्रेस कर देने हैं। इसके ऊपर भी आप लोग पेंटिंग कर सकते हैं, और कोई भी शीट आप लोगों ने पेंट की हो उसको आप इस फ्रेम के सेंटर में स्टिक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू। एंड फिर इसको आप आसानी से कहीं पर भी फ्रेम कर सकते हैं, वॉल पर, अपनी डेस्क पर, कहीं पर भी। एंड या इट्स रेडी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।